मारुख बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। बेटा, हम जानते हैं कि तुम इस बच्ची से कितना प्यार करती हो, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम इसे अपने ससुराल ही ले आओ। और जहां तक बच्ची का सवाल है, तो तुम जब चाहे इससे मिलने आ सकती हो, पूरी इजाजत होगी तुम्हें। रशीद भाई, यही बात मैंने और मुनव्वर ने इसे बहुत समझाई है। मैं आप सब लोगों की बातें समझ रही, मगर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि मैं उम्मीद को खुद से दूर कर दूं। मैं उम्मीद के बगैर नहीं रह सकती और ना ही वो मेरे बगैर। और कोमल, आप ही ने खुद मुझे ये जिम्मेदारी दी है। वो बार बार मेरे ख्वाब में आती है। ये बात तुमने बेटा पहले क्यों नहीं बताई मुझे? ये सब क्या मजाक है भाई साहब? देखिए जी, हम तो यहाँ इस मसले का हल निकालने आए। प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, बहुत उम्मीदें लगाई हैं मैंने आपसे और यासिर से। मारुख, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपनी शादी से ज्यादा उस बच्ची की फिक्र है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मेरे नजदीक ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये दोनों बातें ही पूरी हो जाए, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। फैसला तो तुम्हें एक ही करना होगा, या तो शादी करके हमारे घर आओ, या फिर अपनी भांजी को संभालती रहो। क्या वो भी यही चाहता है? जाहिर है भाई, वो किसी और की बेटी को क्यों अपने घर में रखेगा। मारुख तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप लोग हमारी तरफ से रिश्ता खत्म समझे। चले रशीद, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। वो आप सुने मेरी बात, मारुख। यासिर, यासिर, आप लोग आ गए? अच्छा, क्या अम्मी, क्या बात हुई वहां पे? अबू मारुख मान ली? नहीं बेटा, वो जिद्दी लड़की तो आखिर तक अपनी बात पे अड़ी रही। फिर ये कि हम ये रिश्ता खत्म करके आए। क्या ये क्या कह रही है अम्मी आप? मैंने तुम्हें पहले ही कहा, अगर मारुख नहीं मानी तो तुम हमसे कोई सवाल नहीं करोगे और हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे। लेकिन अम्मी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जो कुछ भी हुआ है मारुख की वजह से हुआ, जाकर उससे सवाल करो, हमसे नहीं। शादी को तुमने मजाक समझ कर रखा है, देखा क्या कर दिया तुमने। एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी थी जो आज टूट गई। अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे बताओ? हम खानदान वालों से क्या कहेंगे? अम्मी, मुझे लोगों की बातों की कोई फिक्र नहीं। हमें फिक्र है, शादी कितने नजदीक रिश्ता टूट जाए तो अच्छा नहीं होता लड़की वालों के लिए। अभी भी वक्त है बेटा, मान जा, ऐसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। और रही बात उम्मीद की, तो हम संभाल लेंगे या वापस दे देंगे सरमत को। अम्मी, आप क्या चाहती हैं? उम्मीद को मैं उन लोगों को दे दूं जिन्होंने आप ही को मार डाला? वो उम्मीद को भी मार डालेंगे। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं उम्मीद को अपने आप से दूर नहीं करूंगी। मुनव्वर, आप ही समझाएं, ये तो पागल हो गई, अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। बेटा, मेरी बात सुनो, यासिर तुमसे बहुत प्यार करता है ना, उसके बावजूद वो तुम्हें उम्मीद के साथ कबूल नहीं कर रहा। तो तुम खुद सोचो, कोई और तुम्हें उम्मीद के होते हुए कैसे अपनाएगा? क्या करोगी? सारी जिंदगी घर बैठी रहोगी? हाँ, शादी नहीं करोगी क्या? यासिर की बातों से ही दिल टूटा है मेरा। यासिर ना करे शादी मुझसे, मैं उम्मीद की खातिर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे अकेले ही गुजार लूंगी। मैं ऐसे शादी खत्म नहीं होने दूंगी। फोन करूंगी सरमत को और कहूंगी कि उसकी बेटी है, आके ले जाए। मैं समझ में आ गई ना डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा।